सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। वाधायूं, वाधायूं, वाधायूं। रिश्तो.com जे न्यू ब्रांच जूं सभिनी के वाधायूं। रिश्तो.com हाणे गोल मैदान उल्हासनगर बे में भी। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। हरतालिका तीज के मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गट की तरफ से महिलाओं के लिए मुफ्त मेहंदी मेले का आयोजन उल्लासनगर के धोबीघाट परिसर में किया गया था, जहां सुबह से ही महिलाओं ने मेहंदी निकालने के लिए बड़ी संख्या में वहां पहुंची थी। हरतालिका तीज यह पर्व उत्तर भारतीय महिलाओं की तरफ से बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसी अवसर पर प्रदेश महासचिव सोनिया धामी और शहर अध्यक्ष भरत गंगोत्री के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और वहां महिलाओं के हाथों पर मेहंदी निकालने के लिए प्रोफेशनल महिलाओं की तरफ से मेहंदी निकाली गई। सचिन तिवारी, कैलाश भंडारी, रोहित गमलाडू, इन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेहनत की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। देखिए, आज हम पूरे महाराष्ट्र में देखते हैं कि आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार, प्रांत अध्यक्ष सुनील जी तटकरे, उनके मार्गदर्शन में पूरे महाराष्ट्र में माताओं और बहनों का सम्मान यात्रा निकाली जा रही है और उसी के तहत माजी लाडकी बहन योजना या अदर्स योजना के जरिए अपनी माताओं को और बहनों को सम्मानित किया जा रहा है, उनको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, जिससे कि उनके आत्म सम्मान में वृद्धि हो रही है। उसी श्रृंखला में चलते हुए हमारे जिलाध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के जिलाध्यक्ष श्री भरत जी गंगोत्री ने आज धोबीघाट एरिया स्थित इधर, हम सब जानते हैं कि हरतालिका तीज का बहुत महत्व है, मेरी उत्तर भारतीय जो महिलाएँ हैं, बहने हैं, उनका ये बहुत ही एक शुभ त्यौहार माना जाता है और उसका कल उपवास है, उसी विषय में आज एक मेहंदी का मेला रखा हुआ है। अभी तक काफ़ी महिलाओं ने इसका लाभ ले चुकी हैं और मैं सबको हरताली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं और उनके घर में खुशहाली का प्रतीक मानी जाने वाला यह त्यौहार की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। आज इस कमला नेहरू नगर के प्रांगण में हरतालिका तीज के उपलक्ष्य में मेहंदी का मेला जो आयोजित किया गया है, यह हमारे उल्लासनगर के बहुत बड़े समाजसेवी दानवीर भाई भरत गंगोत्री की तरफ से और सोनिया मैडम की तरफ से आयोजित किया गया है। ये तीज का त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन खास तौर से उत्तर भारतीयों का ये बहुत बड़ा त्यौहार है और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो मेहंदी का कार्यक्रम चल रहा है, बहुत सारी महिलाओं ने उसका लाभ लिया। कल उन लोगों का उपवास है और मैं भरत भाई गंगोत्री के बारे में कहना चाहूँगा कि उन्हें वो सर्वधर्म संभाव को लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं। उन्हें ये समझ है कि हम सभी लोगों को साथ में लेके चले और इस उल्लासनगर को उल्लासनगर बनाए, एक अच्छा उल्लासनगर बनाए। इस दिशा में भाई भरत गंगोत्री जी ने अपने कदम बढ़ाए हैं। आने वाले समय में उनके बहुत सारे कार्यक्रम उल्लासनगर में लगे हुए हैं। हम सभी का एक ही सोचना है और एक ही कहना है कि सोच बदलो, शहर बदलेगा, चेहरा बदलो, शहर बदलेगा। अब बस भ्रष्टाचार और आतंकवाद को से जिन्होंने इस शहर को परेशान किया, उनको हटाना है और अपने भरत भाई गंगोत्री को लाना है। धन्यवाद। मिलके माननीय भरत सर के मार्गदर्शन और सोनिया मैडम के मार्गदर्शन में हर तीज जो उपवास रहता है कल से स्टार्ट होगा, उसी के उपलब्ध में हम लोगों ने महिलाओं के लिए हल्दी का प्रोग्राम रखा था, जिससे हम लोग को बहुत से ज़्यादा लोग जुड़े हैं और बहुत सी लेडीज लोग आ भी रही हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया हुआ है। थैंक्स, मैं अपने तहे दिल से थैंक्स भरत सर को और मैडम को थैंक्स कहना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा हम लोग को एक एडवाइस दिया, एक मार्गदर्शन किया। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।